आज की कहानी एक ऐसे शहर की है जहाँ लोग बाहर निकलते ही ठंड से जम रहे हैं। इंसान भेड़ियों का शिकार हो रहा है। एक पिता अपने बेटे को मरने से बचाना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई खुद को बचा पाएगा? जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत अंटार्कटिका से होती है, जहाँ साइंटिस्ट की एक टीम जिसमें जैक, जेसन और फ्रैंक शामिल है, वो लोग कोर सैंपल इकट्ठा करने के लिए बर्फ में ड्रिल करते हैं। जैसे ही वो ड्रिल करते हैं, उनके कैंप के नीचे की बर्फ टूटने लगती है और सब कुछ धंसने लगता है। जेसन लगभग नीचे गिर जाता है, लेकिन जैक और फ्रैंक फौरन उसे पकड़ लेते हैं। रिस्क उठाते हुए जैक सैंपल निकालने के लिए दरार की दूसरी तरफ कूद पड़ता है। बदकिस्मती से जब वो वापस कूदता है तो बर्फ उसके पैरों के नीचे से टूट जाती है और वो गिर जाता है। किस्मत से वो एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और लटक जाता है। उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। इसके बाद पूरी की पूरी बर्फ की परत टूट जाती है। बाद में जैक नई दिल्ली में ग्लोबल वार्मिंग पर यूएन कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है। वो दुनिया भर से आए लीडर्स को फ्यूचर में होने वाले आइस एज के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो कहता है कि अगर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जारी रहा तो हमारा प्लैनेट जम सकता है, यानी कि इसमें कुदरत से मिलने वाले कोल, ऑयल और नेचुरल गैस शामिल हैं, जिनके इस्तेमाल से हानिकारक गैसेस बनती हैं जो प्लैनेट को तबाह कर सकती हैं। उससे टाइम लिमिट के बारे में पूछे जाने पर जैक बताता है कि इसमें सदियां लग सकती हैं, लेकिन अभी इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, वरना आने वाली पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पॉलिटिशियन खर्चे की चिंताओं का हवाला देते हैं और जैक की चेतावनी को सनसनीखेज दावा कहकर खारिज कर देते हैं। वहीं बाहर पर्यावरण बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे इंडिया के लोगों को बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि यहाँ पहले कभी नहीं हुआ है। कॉन्फ्रेंस के बाद जैक की मुलाकात टेरी नाम के एक आदमी से होती है, जो कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेंबर है। टेरी जैक की चिंताओं से सहमत है और दोनों अपनी अपनी थ्योरीज को शेयर करते हुए वहां से निकलते हैं। कुछ दिनों बाद स्कॉटलैंड में टेरी के मॉनिटरिंग स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां एक एम्प्लॉय ने मशीन पर टेम्परेचर में गिरावट देखी। हालांकि उसके कोवर्कर ने इसे तेज लहरों का नतीजा बताया और डेटा को खारिज कर दिया। जब टेरी वापस आता है तो वो लोग इसके बारे में उससे इसकी कोई जानकारी शेयर नहीं करते। जापान में आज का दिन एक नॉर्मल बरसात का दिन है, पर अचानक यहाँ हालात खराब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े ओले आसमान से गिरने लगते हैं, जिससे गाड़ियों और सामान का नुकसान होने लगता है, और ये मौसमी बदलाव धीरे धीरे लोगों की मौत का कारण बन जाता है। वहीं अमेरिका में उठने वाले एक तूफान ने वेदर एक्सपर्ट्स को हैरत में डाल दिया है। ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के आकाश में बहुत बड़े तूफानों को बनते हुए देखते हैं। इस पे जैक के बेटे सैम को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त ब्रायन और लॉरा के साथ न्यूयॉर्क जा रहा है। सैम को हवाई यात्रा से डर लगता है। उसका डर और बढ़ने लगता है जब प्लेन तूफान से गुजरता है, जिससे प्लेन अनस्टेबल हो जाता है। इसी दौरान बैग्स नीचे गिरने लगते हैं। किस्मत से अब सब नॉर्मल हो गया है। सैम को एहसास होता है कि उसने अनजाने में लॉरा का हाथ पकड़ लिया है। सब लोग न्यूयॉर्क पहुँच जाते हैं। वो बर्ड्स के एक बड़े ग्रुप को पश्चिम दिशा की ओर उड़ते हुए देखता है और हैरत में पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज से बचकर निकल रहे हों। यहाँ तक कि फार्म्स और चिड़ियाघरों में जानवर भी अजीब बर्ताव करते दिखते हैं, जैसे कि उन्हें डर का एहसास हो रहा हो। आगे दिखाया जाता है कि सैम और उसके दोस्तों ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, जिसके लिए वो लोग यहाँ आए थे। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सैम ने जेडी नाम के एक लड़के को लॉरा के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा। वहीं मॉनिटरिंग स्टेशन पर टेरी ने आखिर में समंदर के टेम्परेचर में गिरावट का संकेत देखा, जहां उसका एम्प्लॉय पिछले डेटा के बारे में बताता है। वो पाते हैं कि यही गिरावट उन्हें कई जगह देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये कोई खराबी नहीं है। टेरी ने जैक को फोन करके बताया कि उनकी थ्योरी अब हकीकत बनकर तेजी से सामने आ रही है। उन्हें ऐसी तेजी देखने को मिल रही है जो 10,000 साल पहले आखिरी आइस एज के बाद से नहीं देखी गई है। इन हालातों में क्या हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी करने या दिखाने का एक लौता तरीका जैक के बनाए गए स्पेशल मॉडल के जरिए ही पॉसिबल है। न्यूज रिपोर्ट से पता चलता है कि तूफान की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिससे कोस्टल गार्ड्स को सी बीचेस बंद करने पड़ रहे हैं। इस बीच कैलिफोर्निया के वेदर मॉनिटरिंग सेंटर में एक टेक्नीशियन अपने काम में लापरवाही बरत रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है और टेक्नीशियन को लॉस एंजलिस में मौजूद एक रिपोर्टर का कॉल आता है, जिसने बताया कि ओले अब गोल्फ बॉल साइज के नीचे गिरने लगे हैं। वो फौरन अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है। जब उसका बॉस बाहर निकलता है तो पाता है कि ये टॉर्नेडो एवरेज से कई गुना ज्यादा बड़ा है।
इस बीच जैक और उसके कोवर्कर हेलीकॉप्टर न्यूज रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि एले के आसपास तेजी से कई टोर्नेडो बन रहे हैं, जिससे बड़ा विनाश हो रहा है। घबराए हुए लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। इमारतें ढहने लगी हैं, कार्स तेज तूफान में फेंक दी जा रही हैं, बड़े ट्रांसपोर्ट्स पलट रहे हैं। वेदर मॉनिटरिंग सेंटर भी इससे बच नहीं पाया, पर भारी नुकसान के बाद भी किसी तरह बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति ने सभी हवाई यातायात को निलंबित करने का आदेश दिया। वॉशिंगटन डीसी में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें दुनिया भर में अजीब और वायलेंट हो रही वेदर रिपोर्ट्स का खुलासा हुआ। टेरी ने कॉन्फर्मेशन दिया था, उससे जैक को ये समझने में मदद मिली कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल पर बर्फ पिघलने की वजह से नॉर्थ अटलांटिक करंट्स में बदलाव हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी गर्म हो रही है। चलिए जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक करंट्स आखिर है क्या। ये समंदर में एक गर्म नदी की तरह है। ये मेक्सिको की खाड़ी से शुरू होकर नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के साथ बहती है और अटलांटिक ओशन के नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाती है। गर्म पानी की ये नदी आसपास के एरिया में गर्मी ले जाती है और मौसम के व्यवहार को बदलकर उसे कंट्रोल करने में मदद करती है। जैक इस बात पर जोर देता है कि मौसम में तब्दीलियां अभी शुरू हुई हैं और हालात जल्द ही बहुत खराब हो जाएंगे। हालांकि ये एक थ्योरी है। जैक के बॉस ने उसे सबूत ढूंढने के लिए कहा और 48 घंटे का वक्त दिया। फ्रैंक, जेसन और नासा के वेदर साइंटिस्ट जेनेट की मदद से रिपोर्ट तैयार की गई। जैक 24 घंटे से सोया नहीं है। एक ब्रेक के दौरान टीम अपनी कैलकुलेशन पूरी करती है, जिससे पता चलता है कि पृथ्वी नए आइस एज की चपेट में आने वाली है, जिसमें सिर्फ 6 से 8 हफ्ते बचे हैं। अगले दिन सैम ने जैक को फोन किया, जो लगातार बारिश और कई जगह बंद होने के कारण न्यूयॉर्क में बाढ़ में फंस गया है। इसके बाद सैम को पता चलता है कि जेडी ने उसके सारे दोस्तों को अपने फैंसी अपार्टमेंट में ठहरने के लिए इनवाइट किया है। लोगों में दहशत फैल गई है और लोग सुपरमार्केट्स पर धावा बोल रहे हैं। जैक ने वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की और गंभीर कार्यवाही करने की बात कही और कहा कि उन्हें इवैक्यूएशन का काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन जैक की चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। इस बीच नॉर्दर्न यूरोप में 24 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। शाही परिवार को बचाने के लिए एक बचाव दल भेजा जाता है। हालांकि तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इस कारण वो लोग अनजाने में तूफान की चपेट में आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर की मशीन और ब्लेड्स जम जाते हैं, जिससे दुर्घटना हो जाती है। किसी तरह से एक पायलट बच जाता है, पर बाहर निकलने पर ठंड से जमकर उसकी मौत हो जाती है। टेरी को जब इस खबर का पता लगता है तो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा को जैक के साथ शेयर करता है। उसके पास डेटा का एनालिसिस करने के लिए ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर नहीं है। इसके जरिए उन्हें पता चलता है कि जमीन पर एक तूफान बन रहा है, जो उनकी उम्मीदों से परे है। न्यूयॉर्क में 3 दिनों तक लगातार बारिश के कारण सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, जिससे सड़क के मेन होल में पानी निकलने लगा है। वहीं कनाडा में समंदर में अचानक 25 फुट की बढ़ोतरी हुई है, जिसके नतीजे में भयंकर तूफान आ रहे हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल हरिकेन की खबरें आ रही हैं। सैम और उसके दोस्त इन घटनाओं को टीवी पर देखते हैं। जेडी उन्हें बताता है कि उसे अपने भाई को लेने जाना है, तो अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो वो उन्हें लिफ्ट दे सकता है, और उसके फौरन बाद ही लाइट चली जाती है। बिल्डिंग से बाहर निकलने पर वो लोग देखते हैं कि बाढ़ के कारण शहर में अफरा तफरी का माहौल है। हालत और बदतर हो जाते हैं जब पता चलता है कि चिड़ियाघर से वोल्व्स भाग गए हैं। कई लोग पास में मौजूद नेशनल लाइब्रेरी में आश्रय के लिए आ रहे हैं। हालांकि एक बेघर आदमी और उसकी डॉग को अंदर आने से मना कर दिया जाता है। बढ़ते हुए पानी के कारण गाड़ियां रुक जाती हैं, जिससे कई लोग अपनी कारों के अंदर ही फंस जाते हैं। सैम और उसके दोस्त लाइब्रेरी की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि लॉरा कार में फंसे एक परिवार की मदद करने के लिए रुक जाती है। इस दौरान उसका पैर घायल हो जाता है। अचानक से एक विशाल सुनामी उभर कर आता है और धीरे धीरे शहर को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देता है। इस घटना ने हजारों लोगों को निकल लिया है। सैम सड़क पर लौट कर आता है और लॉरा को बचाता है। उसे वो लाइब्रेरी में ले आता है। इससे ठीक पहले की लहरें लाइब्रेरी को ढक लें, वो लोग बचते हुए लाइब्रेरी की पहली मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इस बीच जैक ने अपनी कैलकुलेशन पूरी की और टेरी से कांटेक्ट किया, जिससे पता चलता है कि तेजी से नीचे आ रही हवाएं कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया में तूफान पैदा कर रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। 6 हफ्तों का उनका अंदाजा गलत निकला। अब नया आइस एज अगले 48 घंटों में शुरू होने वाला है। इससे वो लोग रुक नहीं सकते, वो लोग सिर्फ जिंदगी बचाने पर फोकस कर सकते हैं। इसी दौरान जैक को न्यूयॉर्क में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है और वो अपनी पत्नी लूसी से मिलने के लिए दौड़ता है। न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। उन लोगों के फोन्स ने काम करना बंद कर दिया है। सैम एक लैंडलाइन फोन को ढूंढता है और ढूंढते हुए पानी से भरे फ्लोर पर उतरता है।
सैम अपने पेरेंट्स को कॉल कर अपने हालातों की जानकारी देता है। जैक ने उसे हो रहे असली हालातों की जानकारी दी और अपने बेटे को तूफान तेज होने के दौरान अंदर रहने के लिए कहा। उसे चेतावनी दी कि बाहर हर कोई ठंड से मर जाएगा। इस मंजिल पर पानी तेज बढ़ता जा रहा है। लॉरा को थोड़ी देर के लिए डर लगा कि सैम डूब गया है, लेकिन किस्मत से वो तैर कर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। फिर वो सैम के लिए सूखे कपड़े ढूंढती है और उसे ठंड न लगे इसलिए उसे गले लगा लेती है। कुछ ही वक्त बाद एक अजीब से शोर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो एक कार्गो शिप को बाढ़ वाली सड़क से गुजरते हुए देखते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं जो अपने नीचे गाड़ियों को कुचलता हुआ जा रहा है। इस बीच खतरों के बावजूद जैक अपने बेटे को बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाने का फैसला लेता है। उसके बॉस ने एक्सेप्ट किया कि वो उसे रोक नहीं सकता क्योंकि बात अब उसके बेटे की है, लेकिन वो जैक को सरकार के साथ फिर से कोशिश करने का सुझाव देता है क्योंकि इस बार उनकी मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ है। मीटिंग के दौरान जैक ने एक इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन दी जिसमें उसने सजेस्ट किया कि नॉर्थ के लोग जितना पॉसिबल हो सके साउथ की ओर आगे बढ़े, जाना पड़े तो मैक्सिको तक भी जाए। वाइस प्रेसिडेंट ने जैक की बात को फिर से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इस बार वाइस प्रेसिडेंट को अपने ही लोगों से सुनना पड़ा जबकि उन्हें वक्त पर हर जानकारी दी गई थी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जैक ने अमेरिका के मैप पर उन जगह को मार्क किया जहां से लोगों को अभी भी निकाला जा सकता है। दुख के साथ इस बात पर जोर दिया कि ज्यादा दूरी पर रह रहे लोगों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जैक के जाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट ने फिर से इवैक्यूएशन का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसकी अनदेखी की और जैक की प्लानिंग को मंजूरी दे दी। वहीं टेरी के यहाँ बिजली चली जाती है और टीम शराब पीने का फैसला करती है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में भी बिजली नहीं है। वहीं एक आदमी ने देखा कि बाढ़ जम गई है और लोग इस मौके का इस्तेमाल बर्फ पर चलकर बाहर जाने के लिए कर रहे हैं। लाइब्रेरी में बच्चे लोग भी ऐसा ही करने की तैयारी करने लगते हैं। सैम जैक की दी गई जानकारी के बारे में उन्हें बताता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लाइब्रेरी में सिर्फ एक छोटा ग्रुप रह जाता है। तेजी से गिरते टेम्परेचर के कारण उनके पास गर्म रहने के लिए बुक्स को जलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। खाने की तलाश में वो लोग वेंडिंग मशीन तोड़ देते हैं और कार्पेट्स को कंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शहर के बाहर लोग ठंड से जूझ रहे हैं। अब वो लाइब्रेरी को छोड़ने पर पछता रहे हैं। कुछ तो भारी ठंड से मरने भी लगे हैं। इस बीच अमेरिकी रिफ्यूजीज की भारी भीड़ के कारण मेक्सिको ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। सभी सड़कें ट्रैफिक जाम से भर गई हैं, इसलिए लोग मेक्सिको पहुंचने के लिए नदी पार करना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटों बाद बॉर्डर पर आके ट्रांसपोर्टेशन फिर से शुरू हो जाता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक डील की है। डील के तहत बॉर्डर खोलने के बदले में सभी लैटिन अमेरिकन के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। डीसी के एक हॉस्पिटल में लूसी अपने एक मरीज के पास है, तभी उसे एक बुरी खबर मिलती है कि लोग घबरा कर यहां से भाग गए हैं, कोई एम्बुलेंस अब अवेलेबल नहीं है। कोवर्कर का सुझाव है कि बर्फ हटाने वाली मशीन के साथ एक पुलिस वाला भी है जो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन मरीज को एम्बुलेंस के अलावा किसी और चीज में ले जाया नहीं जा सकता। लूसी अपने कोवर्कर को वहां से चले जाने के लिए कहती है जबकि वो खुद बच्चे के साथ रहकर मदद आने का इंतजार करती है। वहीं जैक सैम को बचाने के लिए निकलता है, पर वो यहां अपने कॉलीग फ्रैंक और जेसन से मदद पाकर हैरान है। वो लोग अंटार्कटिका के लिए बनाए गए साइंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो परेशानियों के बावजूद अपने ट्रक से जमी हुई जमीन को पार करते हैं, लेकिन आखिर में उनकी गाड़ी एक रोड ब्लॉक से टकरा जाती है। अब उनके पास स्नो शूज का इस्तेमाल करके रस्सी से जुड़े रहकर पैदल आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक जगह ऐसी आती है जहां वो लोग बिल्डिंग की छत पर चल रहे होते हैं, तभी शीशा टूट जाता है और फ्रैंक नीचे गिर जाता है और दूसरों को अपने साथ नीचे खींच लेता है। जैक फिर से अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके नीचे का कांच भी टूटने लगता है। सबसे पहले फ्रैंक अपने बैग को अलग करने के लिए रस्सी को काट देता है, लेकिन इतना करना काफी नहीं है इसलिए फ्रैंक ने अपनी रस्सी को भी काट दिया जिससे फ्रैंक की गिरकर मौत हो जाती है। बाद में जैक और जेसन ने रात बिताने के लिए एक टेंट लगाया। अस्पताल में आखिरकार लूसी और मरीज को लेने के लिए एक एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है। खतरे को देखते हुए व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट को निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद वाइस प्रेसिडेंट को खबर मिलती है कि प्रेसिडेंट तूफान में फंस गए हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं कि कैसे एक विशाल बादल प्लेनेट को ढक रहा है। वो लोग कुछ तस्वीरें लेते हैं और जेनेट को भेज देते हैं। जैसे ही वो उन्हें देखती है वो प्रेडिक्ट करती है कि कैनेडियन तूफान एक घंटे में न्यूयॉर्क से टकराएगा। सुबह में सबको पता चलता है कि लॉरा बुखार के कारण बेहोश हो गई है। उन्होंने लॉरा के सिम्टम्स के बारे में एक बुक में पढ़ा, फिर उसके पैर की जांच की। उन्हें एहसास होता है कि पिछले दिन वो कट जो उसे लगा था उससे उसे ब्लड पॉइजनिंग हो गई है। बुक में कहा गया है कि उसे फौरन पेनिसिलिन देने की जरूरत है वरना वो अपने पैर को खो देगी। इसलिए सैम ने दवा को ढूंढने के लिए कार्गो शिप में जाने का फैसला किया जिसमें ब्रायन और जेडी ने उसकी मदद की। तीनों तेजी से जहाज पर पहुंचते हैं।
इस बात से वो लोग अनजान हैं कि उनकी खुशबू से चिड़ियाघर से भागे हुए भेड़िए उन तक पहुंच चुके हैं। मेडिकल रूम का दरवाजा बंद है, इसलिए सैम कॉरिडोर की खिड़की से बाहर जाता है और सावधानी से दीवार पर चढ़ जाता है। वो मेडिकल रूम की खिड़की तोड़ता है और अंदर आता है, जहां वो अपने दोस्तों के लिए दरवाजा खोलता है। वहां ढूंढने पर ब्रायन को पेनिसिलिन मिल जाता है। सैम फौरन वहां से जाना चाहता है, लेकिन ब्रायन और जेडी का कहना है कि उन्हें यहां से खाना ले लेना चाहिए। जब वो लोग किचन में होते हैं, तभी अचानक उन्हें वहां भेड़िए मिल गए। वो जहाज में उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक भेड़िया सैम के दोस्त को काटने में कामयाब हो जाता है, इसलिए सैम उसके सिर पर तब तक वार करता है जब तक कि वो उसके दोस्त को छोड़ नहीं देता। उसी दौरान तूफान का सेंटर न्यूयॉर्क पे छा जाता है। सैम ने यह होता हुआ नोटिस किया और एक प्लान बनाया। वो भेड़िये को कमरे से बाहर निकाल देगा ताकि उसके दोस्त दरवाजा बंद कर सकें। बहुत कोशिशों के बाद वो लोग भेड़िये से बच जाते हैं। सारा सामान और अपने घायल दोस्त को एक नाव पे रखते हैं और उसे जहाज से बाहर खींचते हैं। उसी वक्त उनके आसपास की बिल्डिंग जमने लगती है और गिरने लगती है। सभी लोग यहां से भागने की कोशिश करते हैं ताकि बिल्डिंग के जमने से ठीक पहले वो लोग कमरे में पहुंच सकें। अंदर पहुंचकर सब लोग आग को फौरन तेज करने का काम करते हैं, क्योंकि ये बढ़ती हुई ठंड उनकी जान ले लेगी। जमी हुई सतह पर जैक और जेसन आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आखिर में जेसन थकावट के कारण गिर जाता है और जैक को उसे बर्फ की सतह पर खींचना पड़ता है। जब उसे तूफान के सेंटर का पता चलता है तो वो फौरन बर्फ में खुदाई करना शुरू कर देता है और एक खाली जगह पर वो जेसन और खुद को ठीक जमने से पहले नीचे गिरा देता है। कुछ घंटों बाद जेसन उठा और पाया कि वो टेंट के अंदर है और उसे गर्म रखने के लिए उसके आसपास आग चल रही है। जैसे ही जैक उसे देखता है, वो वहां से निकलने की तैयारी करता है। वो जेसन के इंतजार करने की बात को सुने बिना आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि जैक को लगता है कि सैम लंबे वक्त तक इस ठंड में जिंदा नहीं रह पाएगा। जैसे ही जैक और जेसन तूफान से गुजरते हैं, उनका सामना हर जगह ठंड में जमी हुई डेड बॉडीज से होता है। वो सिर्फ रात के दौरान टेंट में सोने के लिए रुकते हैं। जैक कहता है कि मानवता आइस एज से बच गई, लेकिन अगर अब वो ज्यादा सावधान नहीं रहेंगे तो इस युग में नहीं बच पाएंगे। कुछ वक्त बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने नोटिस किया कि यूरोप में तूफान छट रहा है और आखिर में उन्हें जमीन देखने को मिल रही है। उसी वक्त जैक टेंट से बाहर निकलता है और देखता है कि आसमान का नजारा साफ हो गया है। अब उसके और जेसन के लिए चलना आसान हो गया है और वो दोनों जल्द ही न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से जम गया है। इसके अलावा उन्हें बर्फ में जमे हुए कई जहाज भी मिले। यहाँ GPS बताता है कि वो दोनों लाइब्रेरी के टॉप पर खड़े हैं। दोनों यहाँ हार मानने से इनकार करते हैं। वो बर्फ में एक रास्ता ढूंढते हैं और एक खिड़की के जरिए बिल्डिंग में एंट्री करते हैं। जैसे ही वो चारों ओर देखते हैं, उनकी उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन आखिर में उन्हें एक दरवाजे के नीचे रोशनी दिखाई देती है। दोनों उस कमरे में जाते हैं। उन्हें वहाँ कुछ लोग जिंदा और ठीक हालत में मिलते हैं, यहाँ तक कि लॉरा भी अब बेहतर महसूस कर रही है। जैक और सैम को एक दूसरे से मिलकर सुकून मिला। कुछ वक्त बाद वाइस प्रेसिडेंट ने नए प्रेसिडेंट के रूप में पद संभाला और लाइब्रेरी में जीवित बचे लोगों के बारे में सुनने के बाद उन्होंने टीवी पर अनाउंस किया कि वो गलत थे और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए नॉर्दर्न स्टेट में एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया जाएगा। जल्द ही हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और लोगों को बचाया जाता है, जिसमें वो बेघर आदमी और उसका डॉग भी शामिल है। उन्हें बिल्डिंग्स पर कई बचे हुए लोग मिले हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी को देखते हैं और कहते हैं कि ये पृथ्वी की अब तक की सबसे साफ हवा और साफ तस्वीर है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि अगर हमें इस पृथ्वी पर जिंदा रहना है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आखिर भविष्य की पीढ़ी को हमें कैसी पृथ्वी देनी चाहिए। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।